ये हमारा गुल है, ये सुल्तान नाम है इसका। अच्छा अच्छा ओके तो ये है और ये कौन है? इसका नाम सुल्तान रखा आपने। ये भी सेम नस्ल का? हाँ जी साहिवाल। ये भी साहिवाल ही है। अच्छा ये है तो सेम गाय की तरह, थोड़ा सा इसका ऊपर का जो है ना। हाँ जी बाकी बारिश की वजह से हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ चलो इतना तो है चलता ना इसमें, आपने थोड़ा अच्छा ढंग से रखा हुआ आपने। फिर भी जो बाकी जो होती है ना, मैंने हम देखे हैं, मैं कई बार जगह पर उतनी सफाई नहीं होती। हाँ जी फिर भी इतनी बारिश में भी आपने अच्छा साफ सुथरा रखा हुआ। एक फोटो खींच रहा सर की। जरूर आइए मैं एक मिनट जरा थोड़ी सी बना लूँ। आप बना लो। अच्छा हेलो, मैं हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल मीडिया चैनल ऑफ चंडीगढ़ से अमरीश राणा संवाददाता हिमाचल से कर रहा हूँ कवर। ये एरिया पड़ता है कांगड़ा के नज़दीक नूरपुर। यहाँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ मिस्टर जो दीपक जी। दीपक जी सारा संभालते हैं जी। इसके जो ओनर भी हैं और पार्टनर भी हैं, इसमें तीन पार्टनर हैं। अब बाकी आपको मिस्टर दीपक जी बताएंगे। सर हम जैसे अपना स्वदेशी कामधेनु गौशाला से दीपक बोल रहा हूँ। हम अपना देसी नस्ल के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि ख़त्म हो चुकी है एक तरह से। आप देखा जाए तो आप देखिए हमारे पास ये सब साहीवाल है और हम इसके नस्ल सुधार पे संरक्षण पे काम कर रहे हैं। हमने इसके बहुत सारे प्रोडक्ट भी तैयार किए हैं जैसे अपना गौ अर्क, दुबत्ती, देसी घी और तकरासव, बहुत सारी मेडिसिन हमने तैयार किए हैं। एक नस्ल बंधु जिसे कहते हैं नेजल ड्रॉप, वो भी हमने तैयार की है। और हम फ्लोर क्लीनर बनाते हैं जो कि गौमूत्र से निर्मित है, उसका जो बेस है। तो हम इस तरीके से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जी। तो जैसे आपको बताया दीपक जी ने कि ये अपनी लगभग सारी जो देसी चीज़ें ही तैयार करते हैं, जो ऑर्गेनिक खादों से तैयार होता है, जो भी मटेरियल इनका बनता है, जो भी मेडिसिन वगैरह बनती है, ये टोटली ऑर्गेनिक और देसी तरीके से बनती है। जो बनाते भी मैनुअल है, जितनी बाकी जो बनते हैं वो मशीनी तौर से बनते हैं, मशीनी द्वारा बनते हैं, पर जो इनका है, इनका पूरा जो है पुरातन जो तरीका है जो उसी हिसाब से बनाते हैं। इनके पास जो आपने देखी है इतनी अच्छी अच्छी गायें हैं और जो इसका इन्होंने अपने प्रॉपर इस तरीके से जो अपना बनाते हैं गौ मूत्र जिसको हम कहते हैं, वो भी ये अर्क तैयार करते हैं और उस अर्क को जो है वो उस ढंग से तैयार करते हैं जो गांव अच्छी है गायें जिस किस प्रकार की नस्ल के हिसाब से उसको जो है मेडिसिन तैयार की जाती है। तो इनका अर्क भी आप देखिए बाकियों से रेट जरूर थोड़ा सा ज़्यादा है, पर जो क्वालिटी वाइज इनका बहुत बढ़िया है। घी भी जो इनका होता है वो अलग ही है। आप एक बार इस्तेमाल करोगे आपको पता चलेगा ये घी जो है वो ऐसा घी कहीं मार्केट में नहीं मिलता। क्योंकि मुझे भी हिमाचल में कवर करते हुए पिछले 2 साल हो गए, पर मैंने आज तक ऐसा घी और ऐसा जो है